के 11वीं की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोग मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध पढ़ रहे थे और ये उसका तीसरा क्लास है। तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि इस निबंध के जो लेखक हैं विद्या निवास मिश्र जी, उनका मन थोड़ा उदास है और उनके सुपुत्र और उसकी एक महिला मित्र किसी संगीत कार्यक्रम में जाने की आज्ञा उनसे मांगते हैं और कहते हैं कि कुछ एक दो घंटे में वे लोग वापस आ जाएंगे। और उसके बाद लेखक उनकी प्रतीक्षा करते हैं आने की। आने में थोड़ा देर होता है और वे उसी वक्त उनकी प्रतीक्षा का करते करते काफ़ी एक कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं और काफ़ी कुछ वे विचार करने लगते हैं। इस निबंध में कई चीज़ें दर्शाई गई हैं, जैसे लेखक का कल्पना लोक में विचरण करना, अब पुराने ज़माने में जो नानी दादी की जो अपने संतानों के लिए अपनी इच्छाएं होती थी, उनकी जो प्रतीक्षा होती थी, अपना दर्द जो होता था वो महसूस कर लेते हैं उनका, और वे उस अपने जो विचरण करते जो कल्पना लोक में जो विचरण कर रहे हैं उसी में उन्होंने माता कौशल्या के ममता भरे मन की भी थाह लेने की कोशिश की और अपनी दादी नानी के चिंताओं का भी उन्हें ख्याल आया कि वे किस प्रकार प्रतीक्षा करती थी अपने संतान का, वो दर्द भी उन्हें महसूस हुआ। और वे सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता को नहीं समझ पाती है और वह अभी भी, वे कहते हैं कि अभी भी संतान को वे अबोध समझ रहे हैं। वे सोचते हैं कि अभी भी उनकी संतान सांसारिक झमेलों से अपरिचित है। लेखक भी और उनकी जो उद्विग्नता है, अपने मन का उनका जो चिंता है, वे बार बार अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, लेकिन वे अपने मन को समझा नहीं पाते हैं। वे पुराने ज़माने में पहुंच जाते हैं कल्पना करते करते कि कैसे किस प्रकार दादी नानी जो होती थी एक लोक गीत गाया करती थी और उसमें किस प्रकार कौशल्या अपने श्री राम के लिए चिंतित हैं वनवास के बाद, ये गीत में गाया गया है उसकी भी वे चिंता करते हैं। और इसमें जो पीढ़ियों के अंतराल का जो अंतर है वो भी दिखाया गया है कि किस प्रकार जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी के दर्द को, ममता को नहीं समझ पाती है। और आगे हम पढ़ेंगे, हम लोग आज पेज नंबर 6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मशान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, कलाएं लताएं कुम्हला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया है। यहाँ पे ये उसी बात की चर्चा हो रही है कि वो जब कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं अपने पुत्र की प्रतीक्षा करते करते, तो वे उसी लोकगीत के बारे में सोचते हैं जिसमें श्री राम के बारे में गाया जा रहा है कि उन्हें जब वनवास हो जाता है, यानी उन्हें वनवास तब होता है जब उनके अभिषेक की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक उन्हें वनवास हो जाता है। तो कहते हैं कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई, यानी अभिषेक होता वे राजा बनते लेकिन उन्हें वनवास हो गया, इस बात की यहाँ चर्चा की गई है। और कहते हैं हर चीज़ अब जैसे जो मंगलमय चीज़ों की जो
कल्पना की जाती है, वे सारे मांगलिक दिख रहे थे, अशुभ दिख रहे थे। वे कहते हैं घर शमशान जैसा दिख रहा था, लोग भूत प्रेत जैसे दिख रहे थे, पेड़ सूखे हुए, लताएं कुमलाई हुई, और नदियां जैसे उन्हें देखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। वे कहते हैं जिसके ऐश्वर्य से अभिषेक जिसका हो रहा था वो निर्वासित हो गए। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समिष्ट का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की उद्धोर्वन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहें। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। वे कहते हैं कि श्री राम को कहा गया है कि नारायण के वे अवतार हैं। वे कहते हैं कि वो तो इंसान के रूप में लीला कर रहे थे, तो ये वनवास भी उनके लीला का ही एक अंग था। वे कहते हैं उन्हें श्री राम को निर्वासन हो गया, वनवास हो गया, हो जाए, लेकिन उनका जो ऐश्वर्य, उनका जो ईश्वरता है वो न भीगने पाए, उस पर कोई आँच न आए। पर उसके बाद आगे है, नर के दमकता रहे, पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्त छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा उनका अहर्निश जागर न भीजे। शेषो नारायण के ऐश्वर्य गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जग जननी आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वनवास में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता हैं। सीता वन्य पशुओं में घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस लोक में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म की गीत गाएगा। यहाँ पे उस वक्त की चर्चा की गई है कि जो श्री राम हैं वे तो नारायण के रूप हैं, वे उनकी वो तो इस लोक में लीला कर रहे हैं, इस लीला में एक वनवास की भी लीला है। इस रूप में जनमानस को राम का वनवास तो स्वीकार है, किंतु उनका ऐश्वर्य में ईश्वरी रूप सुरक्षित रहे। वे मनुष्य का रूप धारण करने के लीला मात्र कर रहे हैं, यह भावबोध हमेशा बना रहे। और वे कहते हैं कि बारिश की बूंदों की लड़ी के साथ उनका यह दैदीप्यमान स्वरूप सुरक्षित रहे। और उसी प्रकार लक्ष्मण भी विष्णु की शैया शेषनाग के अवतार हैं। जिस रूप में लक्ष्मण का यह संरक्षक रूप यानी रक्षा का रूप का जो है उनके जागरण से ही सुरक्षित रहेगा। संरक्षक जो है, जो रक्षा करने वाले हैं, वो जगता रहेगा तभी तो सुरक्षा दे पाएगा। तो ये कहते हैं जागरण की अवस्था में ही व्यक्ति कमर में फेंटा बांधते हैं, सोते समय फेंटा बांधने का रिवाज नहीं है, यानी जो दुपट्टा उनके कमर का जो दुपट्टा है वो न भीगने पाए कहा जा रहा है, यानी वे हमेशा जगे रहें तभी उनकी सुरक्षा वो कर पाएंगे। इसलिए लोकमानस इनके जागरण के प्रतीक कमरबंद की सुरक्षा के गीत गाता है। और राम और लक्ष्मण के साथ ही सीता भी वन को गई हैं। सीता महालक्ष्मी की अवतार हैं, आद्या शक्ति।
राम सीता के पति हैं और लक्ष्मण उन दोनों के रक्षक हैं। अतः राम और लक्ष्मण दोनों की गरिमा इसी में है कि सीता का सिंदूर सुरक्षित रहे। अतः लोकगीत में सीता के सिंदूर की सुरक्षा की कामना की जाती है। तो इस पैराग्राफ में वही इस लोकगीत के बारे में बताया गया है कि लोक जनमानस क्या चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ ये भी दिखाया गया है कि श्री राम तो वनवास के बाद उन्हें फिर वो राजा बन जाते हैं, लेकिन सीता को फिर से निर्वासित कर दिया जाता है। श्री राम उन्हें कुछ लोक मानस के डर से, लोक निंदा के डर से उन्हें फिर निर्वासित कर देते हैं। उस वक्त वे गर्भवती थीं। वे कहती हैं कि वे उस वक्त जब दोबारा निर्वासित की जाती, उस वक्त वे वन में थी, पशुओं से घिरी हुई विजन में, जहां कोई नहीं था उनका साथ देने को। वे कहती हैं कि प्रसव की पीड़ा हो रही है और वे सोचती हैं कि इस बेला में, इस वक्त उन्हें कौन सहारा देगा, प्रसव के वक्त कौन प्रकाश दिखलाएगा, उन्हें कौन संभालेगा। जन्म के गीत, यानी बच्चों के जन्म के बाद जो गीत गाए जाते हैं, वे कौन गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बिनती हैं, जलाकर अंजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुँह निहारती हैं। आगे है कि उसके बाद वे खुद सूखी लकड़ियां बिनती हैं, लकड़ियां जला के उजाला करती हैं, उनके जो जुड़वा बच्चे हैं उनका मुंह देखती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। बस पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है, मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है और सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्द में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है, दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राज मुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर तीखे और निर्मम। यहाँ बताया जाता है कि जिस तरह आग पर यदि दूध चढ़ा दिया जाता है तो आग की आंच से दूध में उबाल आ जाता है और खौलता हुआ दूध बर्तन के बाहर छलकने लगता है, उसी प्रकार जब सीता भी, वो जब अकेली थी और सूखी लकड़ियाँ बिन रही हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही कि कौन उनका साथ देगा, उस वक्त वो जो अपमान से उनके अंदर की जो क्रोध है वो उबल पड़ता है दूध के प्रति। जैसा यहाँ बताया गया है कि जैसे दूध जब गर्म किया जाता है तो वो आँच की गर्मी से वो उबल के बर्तन से बाहर आता है, लेकिन जब उस पर पानी के छींटे मार दिए जाते हैं तो वे दूध अंदर सिमट के बर्तन में ही रह जाता है। उसी प्रकार वे भी अपमानित होकर क्रोध से भर जाती हैं, लेकिन जब वे अपने बच्चों का मुंह देखती हैं तो उनके जो मन में जो क्रोध था उसका भाव उबाल लेता है, पर वह अपना नियंत्रण खोने क्यों ही होती हैं कि तभी उन्हें अपने बच्चों लव और कुश के मासूम मुख को देखकर उनके भीतर का जो वात्सल्य और ममता भाव उनके क्रोध भाव के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और उनका क्रोध नियंत्रित होकर बच्चों की देखभाल में बदल जाता है। यदि इस वनवास के दौरान सीता के पास अपने बच्चों की मासूमियत का सहारा न होता तो संभवतः उनकी क्रोध उबलता ही रहता, क्योंकि एक बार अग्नि परीक्षा देकर लौटी सीता को आदर्शवादी राम ने केवल लोक निंदा के भय से पुनः निर्वासन दे दिया था। तो ये लोकगीत में बताया जाता है कि इस अवस्था में भी, लेकिन वे राम के मुकुट का संरक्षा करती हैं। और लेकिन श्री राम के बारे में भी कहा गया है कि लेकिन ये सब देख के, सोच के वे
और ज़्यादा उन्हें पीड़ा हो रही है, मतलब निर्वासन के वक्त उन्हें जो पीड़ा हुई थी उससे भी ज़्यादा वे अभी पीड़ा में हैं सीता को दोबारा निर्वासित करके। आगे है, राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं और इस वेदना के चित्कार से सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। यानी सीता को निर्वासित करके, यानी वो जो उनके मन में जो एक भाव था अपने को दोषी मानना, ये इससे उनके जो वो मुकुट उनको और भारी लगता है, इतना भारी कि वे उनकी वेदना दर्द से उसके चिल्ला उठते हैं। और कहा जाता है कि लेकिन सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। आगे है, कुर्सी पर पड़े पड़े ये सोचते सोचते 4 बजने को आए। अब लेखक अपनी कल्पना लोक से फिर वापस आते हैं। वे कहते हैं कि वे सोचते कुर्सी पर पड़े पड़े ये सब कुछ सोच रहे थे और उसी वक्त वे ध्यान देते हैं कि 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, यानी मेरी उनकी मेहमान लड़की, बोली, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढाँप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्थ की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्ध चेतना अवस्था में फिर जहाँ खोया वहाँ हुआ था वहीं लौट गया। वे कहते हैं ये सब सोचते सोचते 4 बज जाते हैं और तभी हल्की सी दस्तक उन्हें सुनाई पड़ती है। लेकिन उनका जो पुत्र है, वे कहते हैं चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े, लेकिन उनका पुत्र ऊपर नहीं आता। वो जो मेहमान लड़की आई हुई है कृष्णा, वे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन आंखों में इतनी कातरता थी उसके, इतना संकोच था कि वे बोल नहीं पाते। बस इतना ही कहते हैं कि तुम लोगों को, उन लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं, या कितना नहीं पता उन्हें कि ये लोग कितना परेशान थे उन लोगों के लिए। भोजन दूध सब कुछ रखा रह गया, उन लोगों ने खाया भी नहीं, ये भी उन्होंने उन लोगों को बताया। उसके बाद सब बिस्तर पे लेटने चले आते हैं। अपने लड़के घर लौटे बारिश से नहीं, संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदे पड़ने लगती हैं। तने पर टीके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई हो भी सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम? और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही और अनचाही, दोनों तरह की हजार चीज़ों में। वे कहते हैं उसके बाद जब सब आराम करने चले जाते हैं उनके लौटने पे, तो उनकी याद, उनका जो विचार थे, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं कि उनके राम, यानी उनके पुत्र, उनके बच्चे तो वापस लौट आते हैं, लेकिन उनके दादी नानी के राम लखन और सीता अभी भी बारिश में भीग रहे हैं। तभी अचानक से वे कहते हैं कि कोई चोर फुसफुसाता है। यहाँ चोर यानी उनका अंतर्मन उनसे कहता है कि वे जिसको मेरे राम कह रहे हैं, अपने राम कह रहे हैं, वे उनके राम कब से हो गए? क्या राम ने माना, या किसने कहा कि वे उनके राम हैं?
यानी यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वे जिसके लिए इतना चिंतित हैं, जिसको वो अपना कह रहे हैं, क्या उसके मन में भी इतनी ही चिंताएं, इतनी ही जो संवेदना है जो उनके मन में है, क्या वे भी उसी प्रकार समझ पा रहा है उनकी वेदना को। यहाँ पे यही दर्शाया जा रहा है कि जिसे वे अपना समझ रहे हैं उसके मन में भी उतने ही भाव नहीं हैं, वे चिंतित हो रहे हैं। कहते हैं उनका मन बहुत सारी अनचाही और मनचाही चीज़ों में बटा हुआ है, वे चाह के भी उनसे दूर नहीं हो सकते, वे चाह के भी उनकी चिंता छोड़ नहीं सकते हैं। वे अगर चाहें भी कि मैं चिंता न करूं, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, तभी भी उनका मन नहीं मानेगा। कहते हैं कि उनका मन मन चाही और अनचाही दोनों हजारों तरह की चीज़ों में बटा हुआ है। तो इसी बुनाहट में कहते हैं उनका जो अंतर मन कहता है कि वे जिसे जिसके लिए इतना परेशान हैं, जिसे वे अपना राम कह रहे हैं, वो क्या सही में उनका राम है? जिसके लिए वे इतना अपनेपन से अनमने मन से राम को अपनाने के लिए परेशान है, क्या उधर से भी वैसे ही हाथ बढ़ाया जा रहा है? उसके बाद ये कल्पना का तार फिर टूट जाता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊं? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए, केवल उनके लिए भरा हृदय कहाँ पाऊं? यानी वे ये कह रहे हैं कि उन्हें अपना बनाने के लिए, उनको अपने जैसा सोचने के लिए वे वैसा ही मन कैसे बनाएं? यहाँ पे पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाया गया है। मैं शब्दों के घने जंगलों में खो गया हूँ, मानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्ण कुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनमें भी उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है, वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिसमें जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। वे कहते हैं जितना वे अपने पुत्र के लिए परेशान हैं, उससे ज़्यादा वे एक अनजान लड़की के घर देर से लौटने पे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ये चिंताओं से वे अपने को निकाल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जतसार गीत हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो जरूर हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस न पाए यह अलग है, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है।
उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि, यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस की नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ लगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी, केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में, अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। तो ये था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध, जिसमें पीढ़ियों के अंतराल का जो अंतर है वो दिखाया गया है कि पुरानी पीढ़ी अपनी नई पीढ़ियों की के लिए जो चिंता है उसको वो समाप्त नहीं कर सकती, और नई पीढ़ी जब तक स्वयं माता पिता न बन जाए उस दर्द को समझ नहीं सकती है। और इसमें पुरातन काल के जो दादी नानी के वक्त के जो लोकगीत थे, जो जाते के समय गाया जाता था, उसका उल्लेख किया गया है। उस लोकगीत को बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट किया गया है कि उस गीत का अर्थ क्या है, जिसमें दादी नानी गाया करती थी कौशल्याओं की व्यथा, कौशल्या की व्यथा, और कौशल्या को यहाँ जोड़ा गया है उन हजारों लाखों करोड़ों माओं से जिनके संतान जिनकी उनसे दूर है। तो ये सारे इस निबंध में विद्या निवास मिश्र जी ने अपने निबंध में ये सारा समझाने की कोशिश की है कि जो पीढ़ियों का अंतराल है उसके अंतर को कैसे ख़त्म किया जा सकेगा, या यह संभव है भी कि नहीं, ये अंत तक एक प्रश्न ही रह जाता है कि माता पिता के मन में जो चिंताएं हैं वो बच्चे कभी समझ पाएंगे या नहीं, या स्वयं वे जब उस स्थिति तक पहुंचेंगे तब शायद वे उस वेदना को समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग की कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।